नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले के बेहर गोंडवाना भवन में किसान ट्रैक्टर ऑनर संघ की हुई बैठक। किसान ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे की अध्यक्षता में और सेवानिवृत्त प्राचार्य FS कमलेश के मुख्य आतिथ्य में एवं आदिवासी नेता बैराग सिंह टेकाम के विशेष आतिथ्य में बेहर बिरसा एवं परसवाड़ा तहसील किसान ट्रैक्टर ऑनर संघ के सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक के पश्चात रैली के रूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेहर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि बालाघाट जिले की बेहर बिरसा एवं परसवाड़ा आदिवासी बाहुल्य तहसीलें हैं और घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन तहसीलों का अधिकांश भूभाग वन विभाग के अंतर्गत आता है। आदिवासी बाहुल्य होने के कारण इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू है। इन तहसील के निवासी सिर्फ खेती एवं जंगल पर ही निर्भर रहकर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार के और कोई साधन न होने से यहाँ के बेरोजगार युवाओं ने बैंक से ट्रैक्टर फाइनेंस करवाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। एक ट्रैक्टर के पीछे 10 मजदूरों का परिवार भी अपनी जीविका चलाते हैं। इस तरह इन तीनों तहसीलों में लगभग 10 से 15 हजार परिवार का भरण पोषण ट्रैक्टर के भरोसे होता है, किंतु कुछ दिनों से रेत गिट्टी मुरु मिट्टी आदि होने पर अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और हजारों रुपए जुर्माना लगाकर छोड़ा जाता है। इस कारण कई ट्रैक्टर विगत कई दिनों से खड़े हैं, जिससे हजारों परिवार के सामने भूखे मरने की स्थिति आ गई है। बेहर बिरसा परसवाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत से गरीब परिवार को आवास योजना की राशि स्वीकृत की गई है, किंतु ट्रैक्टर खड़े होने के कारण रेत नहीं मिलने से मकानों के निर्माण कार्य भी बंद पड़े हैं। जितनी राशि स्वीकृत की जाती है उतनी राशि में डंपर से रेत बुलाना संभव नहीं है, क्योंकि रॉयल्टी जोड़कर एक डंपर रेत 26,000 रुपए में पड़ती है, जबकि एक ट्रैक्टर रेत मात्र 2,000 में आ जाती है, जो इस क्षेत्र के गरीबों के बजट के अनुसार पड़ जाती है। ज्ञापन में कहा गया है कि ट्रैक्टर मालिकों के लिए मिट्टी मुरुम खदान की व्यवस्था कराई जाए, साथ ही इस क्षेत्र को रेत परिवहन पर रॉयल्टी मुक्त किया जाए। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को रेत की रॉयल्टी मुक्त किया जाए और कुछ विभाग के छोटे कर्मचारियों द्वारा जो ट्रैक्टर पकड़कर ट्रैक्टर मालिकों को धमकाकर रुपए लिए जाते हैं उसमें प्रतिबंध लगाया जाए और उन कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। आज की बैठक बैयर गोंडवाना कॉम्प्लेक्स में बैयर बिरसा और परसवाड़ा किसान ट्रैक्टर ओनर संघ की बैठक रखी गई है, जिसमें किसान ट्रैक्टर ओनर संघ की बहुत सी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर आज हम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैयर से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, महामहिम राज्यपाल जी के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे कि भैयर आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू है और इस क्षेत्र में व्यापार के कोई साधन नहीं है, रोजगार के कोई साधन नहीं है। इस कारण यहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के द्वारा बैंक से फाइनेंस करवाकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए ट्रैक्टर क्रय कर अपनी रोजी रोटी तथा ट्रैक्टर में लगे लेबरों के 10 परिवार की रोजी रोटी चलाने का काम कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में यहाँ पर अधिकारियों द्वारा उन्हें समय समय पर पकड़कर जुर्माना लिया जाता है, जो इस क्षेत्र के आदिवासियों पर एक प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, जो निंदनीय है। इस क्षेत्र में अनुसूचित 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची जल जंगल और जमीन तथा खनिजों पर अपना अधिकार सुनिश्चित करती है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में संविधान के नियमों को भी दरकिनार कर कुछ अधिकारियों द्वारा अपनी तानाशाही रवैया चलाते हुए
हमारे इस क्षेत्र के सीधे साधे ट्रैक्टर ओनरों को ट्रैक्टर पकड़कर परेशान किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। आज इसी संबंध में बैयर बिरसर परसवाड़ा ट्रैक्टर ओनर्स संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाए और इस क्षेत्र को रॉयल्टी मुक्त कराया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं है जिससे इस क्षेत्र के लोग वहां अपना काम कर अपनी रोजी रोटी चला सके। हमारा क्षेत्र आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोग खेती और जंगल पर निर्भर हैं, परंतु जैसा कि इस वर्ष हो रहा है प्रकृति की मार, पानी नहीं गिरने से सूखा पड़ गया है। किसानों के सामने खाने के लाले पड़े हुए हैं। यदि कोई ट्रैक्टर मालिक अपने ट्रैक्टर से मिट्टी रेत या मुरुम ढोकर अपने परिवार और परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भी अधिकारी लोग उनके ट्रैक्टरों को रोककर उनसे जुर्माना वसूल करते हैं, और वो जुर्माना भी कोई 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक सीमित नहीं है। 20, 25, 50, 50,000 रुपए तक का जुर्माना उनसे लिया जाता है, जिससे इस क्षेत्र के ट्रैक्टर ओनर काफी परेशान हैं। हम ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इस क्षेत्र को, चूंकि यहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, इस क्षेत्र को रेत लाने पर रॉयल्टी मुक्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत।